ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सायरा अफगान हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ पिम्स हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑब्स में। और मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 36 इयर्स है और मैं शाम में प्रैक्टिस करती हूँ मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में फ्रॉम 5 to 7। और इसके साथ में फातिमा क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ 7 to 8:30 के अराउंड, जो मेलेडी के अंदर है। आज मुझे बात करनी है जो पीरियड्स के दौरान मरीज़ को दर्द होता है, जिसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं, पेनफुल पीरियड्स भी कह सकते हैं इसको, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। ये जो पीरियड्स होते हैं उनमें जो बच्चियों को पेन होता है, उसका रीज़न ये होता है कि कुछ जो हमारे पूरे महीने के जो हार्मोन्स होते हैं, जो अंडा बनाने के काम आते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो हमारी ब्रेन में होता है, उसमें से महीने में शुरू के आधे महीने में एक किस्म का हार्मोन निकलता है और उसके बाद अगले आधे महीने में दूसरे किस्म का हार्मोन निकलता है जब अंडा बन के बाहर आता है। जो दूसरा हार्मोन होता है उसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पॉन्स में हमारे बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो पैदा होती है, ये भी एक किस्म के केमिकल्स हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो जो हैं वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनकी वजह से पेन होता है। और टिश्यू ब्रेकडाउन जब भी होता है, जब ज़ाहिर है प्रेगनेंसी जब नहीं होती, तो जो एंडोमेट्रियम है, जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली है, वो काफ़ी थिक होने के बाद वो शेड होती है और वो पीरियड्स होते हैं। तो जब वो शेड होती है तो ज़ाहिर है टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, टिश्यू ब्रेकडाउन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो पेनफुल पीरियड्स के लिए रीजन होती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम बात करते हैं डिसमेनोरिया की या पेनफुल पीरियड्स की, तो उनकी जो टाइप्स हैं वो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिसमेनोरिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, बस ये नेचुरल नॉर्मल दर्द होता है बच्चियों को जब उनको माहवारी शुरू होती है। उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, बस ये होता है कि क्योंकि वो हार्मोनल जो होती हैं चेंजेस आती हैं एग बनाने वाली, जब अंडा बनता है उसके लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अंडा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में जो हमारा जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली है वो ग्रो करती है और एक लेवल पर आके जब वो प्रेगनेंसी अगर ना हो तो वो ब्रेक डाउन होता है, टिश्यू का एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो पीरियड्स आते हैं, तो उस ब्रेक डाउन की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होती हैं बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली में से, तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से जो बच्चेदानी के जो पट्टे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। ये शुरू के 2-3 दिन होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इनिशियली बच्चियों को माहवारी के जब शुरू होती है 13-14 साल की उम्र में, तो ये 2-3 साल तक माहवारी काफ़ी पेनफुल होती है, उसके बाद ये आस्ता आस्ता ठीक भी हो जाती है। और ज़्यादातर शादी के बाद बच्चियों की ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जो रास्ता होता है बच्चेदानी से बाहर का रास्ता जो होता है वो ज़रा खुला हो जाता है, तो उसमें फिर बच्चेदानी इतना ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती और पट्टे जो हैं वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो पेन नहीं होता इतना। अब इसकी जो कॉजेज हैं, अगर जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया की जब हम बात करते हैं, तो उसमें अंदर ये किसी भी बीमारी के रिस्पॉन्स से पेन होता है। एक बीमारी होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ये होती है कि आपका जो बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली है, नॉर्मली उसकी जगह तो बच्चेदानी के अंदर है, लेकिन कभी कभी ये बच्चेदानी से बाहर हमारा जो पेट होता है उसमें भी ये जाके इम्प्लांट हो जाती है। जब वहाँ इम्प्लांट हो जाती है तो फिर जब भी माहवारी आती है तो बहुत ज़्यादा मरीज़ को दर्द होता है पेट में, क्योंकि ये जो इम्प्लांटेड होती है बाहर, वहाँ पे भी ब्लीड करती है, तो वहाँ पे आपकी बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। अब दूसरा जो है वो है एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में तो बच्चेदानी से बाहर जाकर पेट में जमा होती है ना एंडोमेट्रियल टिश्यू, यहाँ पर एंडोमेट्रियल टिश्यू बच्चेदानी के अंदर के जो पट्टे हैं उसके अंदर जमा
इम्प्लांट हो जाती है। फिर जब यहाँ पे ब्लीड करती है, जब माहवारी के दौरान माहवारी आती है, तो एक तो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली ब्लीड करती है, दूसरा ये जहाँ पे पट्ठों में जाके इम्प्लांट हुई है वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स होती हैं पेशेंट्स को इसमें। तीसरे नंबर पर हमारे बच्चेदानी के अंदर की होते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस जिसको कहते हैं, ये एक बिनाइन किस्म के समझे ट्यूमर्स होते हैं जो फाइब्रस टिश्यू से बनते हैं, बच्चेदानी के अंदर होते हैं, और उसकी वजह से माहवारी भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल बच्चेदानी के पट्ठों के अंदर होते हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स उन प्रोस्टाग्लैंडिंस के रिस्पांस में बच्चेदानी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये बहुत पेनफुल होते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस होती हैं, इन्फेक्शंस की वजह से अंदर जो है PIDs जिसको हम कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें अंदर इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना की जाए टाइम से तो अंदर जाके पेट के अंदर हमारा जिस्म जुड़ जाता है, फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं, और उसके बाद ये पेनफुल होता है पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स के रिस्पांस में। अब ये जो डिसमेनोरिया है या पेनफुल पीरियड्स हैं, इनकी जो रेमेडीज़ हैं वो ये हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिंस को अपोज करने के लिए हमारी बॉडी से नेचुरली चीज़ें निकलें, उनमें से हमारी डाइट जिसमें अंदर मैग्नीशियम हो सकता है, उसके अंदर हम रेड बेरीज़ यूज़ करें, बच्चियाँ खाएं तो उसमें अंदर और प्रोटीन रिच फूड्स वगैरह लें तो ये उसमें काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं तो वो आपको अच्छा मतलब आपका होगा। फिश ऑयल्स जो है वो भी आपके जो है वो होते हैं ओमेगा 3 या B6, B12 ये B1 विटामिंस, मल्टी विटामिंस लें तो उनसे आपकी जो है ना ये डिसमेनोरिया जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी होती है, एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे ऐसे केमिकल्स बॉडी से निकलते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिंस के अगेंस्ट काम करते हैं, जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, तो एंडोर्फिन्स निकलते हैं एक्सरसाइज में, तो वो भी हमारी जो बच्चियाँ एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं उनको डिसमेनोरिया ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा योगा, मेडिटेशंस और उसके बाद हॉट शावर्स आर वेरी हेल्पफुल, और अगर बच्चियाँ या कोई भी फीमेल स्मोकिंग कर रही हैं तो स्मोकिंग अगर नहीं करेंगी तो दैट विल बी हेल्पफुल। उसके अलावा मेडिकेशन पे अगर हम आते हैं तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जिसमें अंदर एस्पिरिन है, जिसके अंदर ब्रूफन टैबलेट्स हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उसके अलावा नेप्रोक्सिन सोडियम, ये सारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इनका एंटी प्रोस्टाग्लैंडिंस की वजह से होता है तो ये हेल्पफुल होती हैं। और बिकॉज ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट्स कोशिश यही करनी चाहिए कि यूज़ ना करें ज़्यादा हम, लेकिन हम बेसिक अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इतना पेन है कि बर्दाश्त नहीं होता तो आप मेडिकेशंस पे आ सकते हैं। थैंक यू, और इसके बाद मैं आपको ये फिर से दोबारा से याद कराऊंगी कि अगर आप लोगों को किसी भी सिलसिले में गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, तो आप मुझसे अगर मिलना चाहें तो मैं शाम में 5 से 7 बजे तक मैक्सिमस हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हूं, और उसके अलावा 7 o'clock से लेकर 8:30 बजे तक मैं फातिमा क्लिनिक में मेलेडी मार्केट के अंदर, ये फातिमा क्लिनिक है उधर अवेलेबल होती हूं, तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। थैंक यू वेरी मच।